close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोशनी फ्रॉम रोशनी मंत्रा चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप ये वाला हेयर स्टाइल करवा चौथ पे कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये हेयर स्टाइल बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी क्विकली बन जाता है। तो आपको इस हेयर स्टाइल को जरूर ट्राई करना चाहिए। और ये हेयर स्टाइल एक ब्रेडेड हेयर स्टाइल है जिसमें आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपने ऐसा हेयर स्टाइल बनाया है तो वो हेयर स्टाइल आप पर कैसा लग रहा है वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये हेयर स्टाइल मुझे कैसी लग रही है वो भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आप ये मेकअप लुक देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर जरूर क्लिक करें और ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है वो भी देखिए। और अगर ये हेयर स्टाइल सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने आज हेयर वॉश नहीं किया, इसके लिए मेरे हेयर थोड़े से फ्रिजी हो रहे हैं। इसके लिए मैं आज सीरम लगाऊंगी, सबसे पहले हेयर को मैनेजेबल रहने के लिए। ये लीवन सीरम है। और सबसे पहले हम अपने हेयर को डिटेंगल कर लेंगे। और हेयर स्टाइल शुरू करने से पहले, ये करवा चौथ हेयर स्टाइल है, इसके लिए मैं सबसे पहले सिंदूर लगा रही हूँ ताकि मुझे आइडिया आए। हेयर डिटेंगल हो जाए इसके बाद हमें कुछ इस तरीके से साइनर मांग लगा लेना है और अपने सारे हेयर को आगे की ओर लेके आना है। हेयर के टॉप मिडल सेक्शन में से हम थोड़ा सा हेयर का अमाउंट निकालेंगे, जितना कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उसमें नॉर्मल 3 स्ट्रैंड ब्रेड बनाएंगे। ब्रेड के 2 से 3 स्टेप हो जाए उसके बाद हम ब्रेड में फ्रंट से और बैक से हेयर ऐड ऑन करना स्टार्ट करेंगे, जैसे हम सागर चोटी में ऐड करते हैं। जब भी हम ऊपर से हेयर स्टाइल लेते हैं तभी हमें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी और पतली लेयर लेनी है और एकदम नीट और क्लीन लेयर लेंगे ताकि हमारा हेयर स्टाइल का लुक भी बहुत ही अच्छा आए। फ्रंट और बैक में से हेयर ऐड करते करते हमें हमारे सारे हेयर कवर कर लेने हैं। और जब ब्रेड नीचे की तरफ लाए तब ज़्यादा हेयर ऐड करेंगे, क्योंकि नीचे ज़्यादा हेयर का ग्रोथ रहता है इसीलिए, और ऊपर पतले हेयर ऐड करेंगे। जब पूरे हेयर कवर हो जाए तब नॉर्मल 3 स्ट्रैंड ब्रेड बनाएं और एंड्स को रबर बैंड से सिक्योर कर लें। जब एंड्स रबर बैंड से सिक्योर हो जाए उसके बाद कुछ इस तरीके से हमें हमारे हेयर को पुल करना है और ब्रेड को फुलर लुक देना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपके पतले हेयर हैं तो आपको ये स्टेप जरूर फॉलो करना है, इससे आपका वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा लगेगा। अब हमें हमारे हेयर स्टाइल में से फ्रंट में से कुछ इस तरीके से हेयर पुल करने हैं। इस तरीके से हेयर पुल करने से हेयर स्टाइल का लुक बिल्कुल भी चेंज हो जाता है और हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छी लगती है। दूसरी साइड से हमें थोड़े से हेयर कुछ इस तरीके से अपने चेहरे पे निकाल लेने हैं। अब मैं यहाँ कुछ इस तरीके से हेयर एक्सेसरीज का यूज़ कर रही हूँ अपने हेयर स्टाइल को डेकोरेट करने के लिए। तो आप कोई भी स्टोन या पर्ल या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो बड़ी वाली बिंदी डायमंड वाली आती है, उसे भी लगा सकते हैं। याद रहे, जब भी हम फेस्टिव हेयर स्टाइल करें तब कुछ ना कुछ डेकोरेटिव पिंस या पर्ल ऐसा कुछ लगाए अपने हेयर स्टाइल में, इससे हेयर स्टाइल का लुक बहुत ही अच्छा आएगा और एकदम इन्हेंस कर देगा आपकी हेयर स्टाइल को। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा हेयर स्टाइल बन चुका है। ये बहुत ही इजी हेयर स्टाइल है। इस हेयर स्टाइल को इस करवा चौथ पे जरूर कैरी कीजिएगा। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये हेयर स्टाइल मुझ पर कैसा लग रहा है, और अगर आपने भी ये हेयर स्टाइल बनाया तो कैसा बना वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको बिल्कुल भी हेयर स्टाइल नहीं आती और आपके बहुत ही पतले हेयर हैं तो ये हेयर स्टाइल आपके बहुत ही काम आएगी। और करवा चौथ में जब आप पल्लू सर पे लेंगे तब भी ये हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छी दिखेगी और हमारे हेयर आगे की तरह रहेंगे। तो ये हेयर स्टाइल मेरे हिसाब से करवा चौथ के लिए परफेक्ट हेयर स्टाइल है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।